Good morning children today we will read chapter second environmental pollution part second today we will read about water pollution industries require water and during the process of manufacturing water become impure और पोल्यूटेड, विच इज़ ड्रेन्ड इनटू टू रिवर्स स्ट्रीम और ऑन द ग्राउंड इंडस्ट्रीज़ को उद्योगों को मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के दौरान कोई वस्तु बनाने के प्रक्रिया के दौरान पानी की ज़रूरत होती है फिर इन वस्तुओं को बनाने में जो पानी का यूज़ करते हैं उससे जो पानी है वो अशुद्ध हो जाती है या पॉल्यूटेड हो जाती है और ये पानी जो है नदी ताला स्ट्रीम झील ये सब में प्रभावित या जमीन भूमि पर प्रवाहित कर दिया जाता है उसमें मिला दिया जाता है नदी या झीलों या सीधे ज़मीन पे ही डाल दिया जाता है जो फैक्ट्रियों में किसी चीज़ को बनाने में जो पानी यूज़ करते हैं और उससे जो अशुद्ध होता है उस पानी को ये लोग ऐसे ही नदी तालाबों में या जमीन पे डाल देते हैं फेंक देते हैं या प्रवाहित कर देते हैं दीज केमिकल इन्फेस्टेड वाटर पॉल्यूट्स द द्योर वाटर ऑफ रिवर ये जो इन पानियों में जो केमिकल होते हैं रसायन होते हैं उनसे जो नदी के पानी शुद्ध पानी भी अशुद्ध हो जाता है सेकेंडली द वाटर ड्रेंड ऑन ओपन ग्राउंड ग्रेजुअली पर क्लोट्स down and pollutes the underground water too. दूसरा जब पानी जो है वो सीधे ज़मीन में डाल दिया जाता है या जमा ज़मीन में प्रभावित किया जाता है तो उस जो तो ज़मीन जो है वो पानी नीचे की ओर सोख लेती है ज़मीन पानी सोख लेती है उससे उसके कारण जो ज़मीन का पानी भी है अंडरग्राउंड वाटर भी है वो भी प्रदूषित हो जाता है वो भी पॉल्यूट्स हो जाता है जो फैक्ट्रियों का पानी गंदा पानी जो ज़मीन पे सीधे फेंक दिया जाता है वो ज़मीन उसको सोख लेती है और ज़मीन के अंदर वो उतर जाता है और इस प्रकार जो ज़मीन की ज़मीन का शुद्ध जमीन के अंदर का शुद्ध पानी है वो भी प्रदूषित हो जाता है ग्रोइंग अर्बेनाइजेशंस is another रीज़न बिहाइंड widespread pollution बढ़ते शहरीकरण के कारण का शहरीकरण भी जो व्यापक जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है उसका एक प्रमुख कारण है उसके पीछे का एक प्रमुख कारण है जो शहरीकरण हो रहा है जो गांव शहर बनते जा रहे हैं वो भी बढ़ते प्रदूषण का एक के पीछे का एक प्रमुख कारण है डटी वाटर फ्रॉम द गटर्स इन अर्बन एरियाज इज रिलीज इन टू रिवर्स एंड पॉन्ड्स विच एड टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन गटर से जो गंदा पानी है वो अर्बन एरिया में उसको नदी में या तालाबों में छोड़ देते हैं ये जो गंदा पानी है गटर से उसको छोड़ देते हैं और ये जो है वाटर पॉल्यूशन के जो की जो समस्या है उसको और बढ़ाती है टुडे इवन द रेन वाटर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्राइलाइजेशन द स्मोक एंड गैसेस रेड्यू रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज़ मिक्स विद द रेन वाटर एंड पॉल्यूटिड आजकल जो रेन वाटर है बरसात का पानी है वो भी बढ़ उद्योगीकरण के कारण प्रदूषित हो गया है धुआं और जो गैस इंडस्ट्रियों द्वारा जो छोड़े जाते हैं फैक्ट्रियों द्वारा जो छोड़े जाते हैं वो रेन वाटर में बरसात के पानी में मिलकर उसको प्रदूषित कर देते हैं द डटी वाटर रिलीज बाई इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज़ इंटू रिवर्स स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रियों द्वारा जो गंदा पानी है वो रिवर स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स में छोड़े जाते हैं उससे जो जलीय जीवन है वो भी नष्ट हो जाता है मेनी टाइम्स वी सी न्यूज़ अबाउट मास डेथ ऑफ फिश बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूशन इन वाटर कई बार हम कई बार हम मछलियों के सामूहिक या ढेर सारी मछलियों के मरने का का न्यूज़ देखते हैं वो वो पानी में पॉल्यूशन बढ़ने के कारण होता है पानी में जब प्रदूषण पानी का जब पानी जब प्रदूषित हो जाता है अधिक प्रदूषण के कारण जब पानी ख, एकदम गंदा हो जाता है उसके कारण ढेर सारी जो पानी के अंदर मछलियां हैं वो मर जाती हैं इस तरह का भी न्यूज़ हमको कई बार देखने में आता है द सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू ऑयल ड्रिलिंग एंड ऑयल स्पिल्स जो समुद्री पानी है वो ऑयल ड्रिलिंग और ऑयल स्पिल पिल्स के कारण पोल्यूटेड हो जाता है प्रदूषित हो जाता है वाटर पॉल्यूशनस कॉजेज वेरियस डिसीज लाइक कॉलेरा जॉइंटिस वॉमिटिंग लूज मोशन एक्सेट्रा जल के प्रदूषण के कारण कई रोग भी हो जाते हैं जैसे हैजा ज्वाइंटिस पिलिया उल्टी दस्त आदि that is why nowadays people have to carry their own water bottle filled with fresh and filtered water with them while traveling to office or to school इसी कारण आजकल ज लोग जब यात्रा करते हैं या ऑफिस या स्कूल जाते हैं तो अपने साथ फ्रेश और फिल्टर पानी के बोतल को साथ में लेकर जाते हैं मैनी रिवर हैव टर्न इंटू गटर्स दिस पॉल्यूटेड रिवर्स वाटर इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉन्सिक्वेंटली पॉल्यूटेंटर इंटू फ्रूट ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फोडर बहुत सी जो नदियाँ हैं वो गटर में परिवर्तित हो गई हैं उसमें नदियों में इतना गंदा पानी जाता है कि वो गटर के रूप में गटर बन गई हैं और ये जो पानी जो है नदी में यही नदी का पानी जब हम पॉल्यूटेड नदी का पानी जब हम एग्रीकल्चर कृषि के लिए उपयोग में लाते हैं और लगातार इस प्रकार के उपयोग से इस प्रकार के नदियों का पानी उपयोग के उपयोग से जो पॉल्यूशन है प्रदूषण है वो अनाजों सब्जियों और पशुओं के चारा चारा में प्रवेश कर जाता है पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी बी इट अ पॉलिटिशियन फार्मर इंडस्ट्रीज एजुकेशन इंडिविजुअल आर्टिस्ट और वर्कर्स

पढ़ा लिखा व्यक्ति हो कलाकार हो या श्रमिक हो वो उसका जो ए, उसका जो व्यवहार होता है पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जो व्यवहार होता है वो बहुत लापरवाही भरा उसका रवैया होता है वो ये सब पॉल्यूशन को लेके बहुत गंभीर नहीं होता है उसका व्यवहार लापरवाही वाला होता है द वॉटर फ्राम इंडस्ट्रीज़ शुड बी प्योरीफाइड बिफोर इट इज़ ड्रेनड इन टू स्ट्रीम्स और रिवर्स नदी या तालाबों में पानी को पॉल्यूटेड पानी को बहाने से पहले इंडस्ट्रीज़ को उस पानी को प्योरीफाइड करना चाहिए उस पानी को शुद्ध करना चाहिए इसके बाद ही नदी तालाबों में उस पानी को प्रवाहित करना चाहिए पानी को शुद्ध करके उस पानी को नदी तालाबों में डालना चाहिए गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज़ प्रॉपरली टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज सरकार को भी इंडस्ट्रीज़ को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल करने के लिए करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण नीतियों को लागू करना चाहिए अच्छी तरह से लागू करना चाहिए वी शुड यूज़ वाटर इन जुडिशियस वे और हमको भी पानी का जल का उपयोग बहुत विवेक विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए सोच समझ के पानी का उपयोग करना चाहिए थैंक यू चिल्ड्रेन